छोड़ के जा रहे हो नानी को। Lots of success. You will go in and meet new friends. जाते जाते आप सभी जानते हैं, जब जाते हैं तो सब इमोशनल हो जाते हैं। तो अब ये लास्ट बाय बाय। चलो मम्मी रोना नहीं। बाय मान। बड़े ही चैलेंजेस फेस करते हुए आ रहे हैं। गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है हमारा इंडिया में लास्ट डे और अभी हम लोग जा रहे हैं बस से मुंबई। थोड़ा सा साइड में आके मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सोचा स्टार्ट कर देती हूँ। फैमिली के साथ हैं और छोड़ के जा रहे थे, थोड़ा ख़राब ही लग रहा है। सो बस थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करती जाऊँगी कैसे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ये लो, बाद में खा लेंगे, ठीक है? ये लो बस में खाएंगे बाबू, बस में। जा मामी का पैर छू लो। ये पैर नहीं छू बेटा। आशीर्वाद। अब मासी का कौन छुएगा? अरे मैं तो ज्योति, एक चक्कर लगा लो कहीं तो छोटा कर। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ सक्सेस, यू विल गो इन एंड मीट न्यू फ्रेंड्स, राइट रिमन? तो सारा सामान जो है अभी हमारा रख के है, सब लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। बोलो मुझे रिमन नहीं, बोलो तुम जादू हो। चलो बाय कर दो सबको। मम्मी बैठ गई, बहुत गुस्सा करेगा, रोएगा इतना हम लोग। सही में यार इससे मिला ही नहीं रिमन से। सुबह का टाइम कितना बज रहा है? 6:30 हो रहा होगा, 6:15 छोड़ने जा रहे हैं। मम्मी को बाय कर दो रिमन, ये बहुत कंफर्टेबली सबके साथ में रहता है, फ्रेंडली एकदम एडजस्ट हो जाता है। हाँ, नो फॉर्मेलिटीज, जो जैसा है ना उसके साथ वैसे ही वो बिहेव कर रहे हैं। तुम छोड़ के जा रहे हो नानी को, इधर देखो जादू। मुझे रीमन नहीं बोल, क्या है? मुझे छोड़ के जा रहे हो, जादू क्या कर रहा है? जादू पापा की गोदी में बैठा है। जादू हम लोग को भी लेके चलो, जादू बहुत खतरनाक है। पावर आएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो मोसा कितने लंबे हैं, ऐसे हो जाएगा। इसको कितना मजा आ रहा है। ओए क्या हो गया था? शर्माता भी कर दिए फूफू। अब ये लास्ट बाय बाय। सब लोग आपको देखेंगे वहाँ पे जाके। चलो मम्मी रोना नहीं। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में और इस बार जो हम वन मंथ ट्रैवल कर रहे थे उसमें हमने ट्रेन की भी जर्नी की, फ्लाइट की भी की और अब हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 10 घंटे लगेंगे हमें मुंबई जाने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में हमें 15 घंटा बैठना है। तो हमने सोचा कि बस से जाएँ आराम से सोते हुए लेटते हुए, तो ये प्रेफर किया। देखते हैं कैसे रास्ता कटता है। मन बैठ के पॉपकॉर्न खा। सभी जो है हमारी बस रुकी है, कोई पुरोहित होटल है पीछे, यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने, सॉरी लंच के लिए। पर हम घर से लेके आते तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, तो ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का। और जाते जाते आप सभी जानते हैं, जब जाते हैं तो सब इमोशनल हो जाते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, तब ज़्यादा बात नहीं हुई और चढ़ने में ही रह गए। और बस ऐसा ही रहा हमारा आना। और रिमन ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। सही कहते हैं फैमिली के साथ ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो सब रिमन ने सीखा है, मैच्योर हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा। ये बताओ आपको कुछ पता कहाँ जा रहे हो? मुंबई हम स्वीडन जाएंगे। yes. तो अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ से कैब बुक करके। तो
फाइनली 10 घंटे बाद बस से ट्रेवल करके हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे हमें आते से ही मिल गया था स्पेशल असिस्टेंस। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पैसे देने होते हैं और ये हमारा पूरा जो सामान है जहाँ इमिग्रेशन होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और उनके साथ एक व्हील चेयर भी मिलती है। तो मैं और रिमन उस पर बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था व्हील चेयर पर बैठना, बट बहुत थके हुए थे तो आराम से बैठ के हम लोग एयरपोर्ट पे जो भी काम था अपना सामान को रैप वगैरह कराना वो सब कराया, अपने वेट को चेक कराया जितना लिमिट है उतने में है या नहीं एक बार रीचेक कराया। उसके बाद हम चले गए थे इमिग्रेशन के लिए, वहाँ भी लंबी लाइन थी, इमिग्रेशन करवाया। उसके बाद आके हम बैठ गए थे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट जो है 4:30 बजे की है मॉर्निंग में। तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो गया था, किसी तरह हम वहाँ पर टाइम पास कर रहे थे। सभी जो है हम लोग थोड़ा चेक इन वगैरह करवा के आराम से आ चुके हैं, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी हो रहे हैं 12:30 और हमारी जो फ़्लाइट है वो है 4:30 बजे की, तो इतनी देर तक हमें जगना है। सो ये है अब तक का अपडेट और अब जब लैंड करेंगे तो आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े ही चैलेंजेस फेस करते हुए आ रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे लिक्विड चेक हो रहा था और मेरा एक पर्मिंग है, पर्मिंग का नीचे मैं करवाया था उसका मुझे स्प्रे मिला था, वो उन्होंने ले लिया, बस ठीक है, थोड़ा मैंने यूज़ किया था, बस वही निकला और ज़्यादा कुछ नहीं निकला। बचते हुए आ गए हैं अभी तक। सो अभी हमने इमिग्रेशन वगैरह करा लिया है और अब हमारी दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट है स्वीडन के लिए। सो येस, नाउ वी आर मूविंग टू स्वीडन। मैं ये वाली मूवी देखा हूँ। फाइनली जो हम लोग लैंड कर चुके हैं स्टॉकहोम में। सो अभी जो है हम लोग क्यू में खड़े हैं इमिग्रेशन के लिए और बहुत ही लंबी लाइन थी। और सबसे पहला काम यहाँ पे है सिम लेना, बिना सिम के हम लोग कैब नहीं कर सकते हैं, जाएंगे कैसे घर।
और दूसरा है मनी एक्सचेंज कराना, तो उसके लिए हम लोग अभी रुके हैं। जब वो दोनों काम हो जाएगा फिर यहाँ से जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी जो जर्नी थी इंडिया से लेके स्टॉकहोम तक आप लोग ने देखी कैसे कैसे हम लोग आए हैं। कल से जो है मैं व्लॉग जो डेली शूट करूँगी, आप लोग भी देखना चाहते होंगे वहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो रही है, अभी हम कैसे एडजस्ट करें इतनी ठंडी में। सो जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेगा। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।